सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस कैसे आप लोग, मेरा नाम अभिषेक है और टेक्नोरिव्यू में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे गेमिंग टेस्ट मोटोरोला मोटो वन पावर में और देखेंगे कि इस फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने इंस्टॉल कर लिया है कुछ हैवी गेम्स इस फोन में और देखेंगे आज इस गेम्स को चला के कि इस फोन में ये गेम्स कैसा चलता है और उसके बाद जाके देखेंगे कि इसमें गेम खेलने के हीटिंग कैसा हो रहा है और आखिर में देखेंगे कि बैटरी ड्रेन कितना होता है गेम खेलने के टाइम। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ये रहा हमारा मोटो वन पावर जिसमें हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 के साथ 4GB का रैम। गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से मोटो वन पावर की एंटीटू बेंचमार्क चेक कर लेते हैं। तो एंटीटू चला के यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर, पर हम एक बार फिर से टेस्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं एंटीटू स्कोर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एंटीटू स्कोर आया है 115,650 जो काफी इंप्रेसिव है। ऑलराइट, तो गेमिंग में बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी लेवल है 97% में और हम अभी देख लेते हैं फोन की टेम्परेचर। स्क्रीन के ऊपर है 28 डिग्रीज और पीछे के साइड भी है अराउंड 28 टू 29 डिग्रीज। ओके, तो गेमिंग टेस्ट के लिए आज हमारे पास है एस्फल्ट 9, रूल्स ऑफ सर्वाइवल, GTA San Andreas, नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स और पबजी। गेमिंग स्टार्ट करते हैं एस्फल्ट 9 से। तो पहले ग्राफिक सेटिंग्स में आप देख सकते हैं हमने क्वालिटी को सेट कर दिया हाईएस्ट में और नाउ चला लेते हैं एस्फल्ट 9 की रेस। तो यार पहली बात है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि एस्फल्ट 9 मोटो वन पावर में काफी बढ़िया चलता है, कभी भी कोई लैग स्टटर या फिर फ्रेम ड्रॉप जैसे एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया एस्फल्ट 9 को इस फोन में खेलने के टाइम। मोटो वन पावर की जो डिस्प्ले है वो LCD डिस्प्ले होने के बाद भी कलर्स काफी वाइब्रेंट लगता है और गेम्स जैसे एस्फल्ट 9 को खेलने के टाइम आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। पर यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि एस्फल्ट 9 को चलाने के तुरंत बाद फोन का जो नॉच है वो हाइड हो गया है, जिसका मतलब है कि ये गेम अभी तक इस फोन के लिए 100% ऑप्टिमाइज नहीं है और फ्यूचर अपडेट्स में ये प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाएगा। एनीवेज, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, टू बी एग्जैक्ट 28 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली एस्फल्ट में मोर देन 10 रेसेस को कंप्लीट करने के बाद चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और देख लेते हैं बैटरी लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स एस्फल्ट खेलने के बाद सिर्फ 4% बैटरी ड्रेन हुआ है और फोन एकदम भी गर्म नहीं हुआ है। और जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर है 31 डिग्रीज और बैक साइड में है अराउंड 30 डिग्रीज। सो नेक्स्ट चले जाते हैं रूल्स ऑफ सर्वाइवल में और ये अगेन पबजी की तरह एक बैटल रॉयल गेम है। और पहला चीज जो हम इस गेम को चलाने के बाद करेंगे वो है इसमें ग्राफिक्स को एकदम हाईएस्ट में कर देंगे। एक्चुअली हम हर एक गेम में ग्राफिक्स हाईएस्ट में कर देते हैं बिकॉज हाईएस्ट सेटिंग्स में गेम जैसा चलेगा उससे हमें एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। तो रूल्स ऑफ सर्वाइवल भी ऑलमोस्ट बढ़िया चलता है। हाँ, दूसरे फोन्स में हमने देखा है कि रूल्स ऑफ सर्वाइवल ऑलमोस्ट 60 FPS में चलता है, पर यहाँ पे उतना भी सुपर स्मूथ नहीं चलता है। हाँ, गेम काफी हद तक प्लेएबल है और कहीं पे लैग स्टटर वगैरह नहीं मिलेगा, पर जैसे आपको बताया कि बैटल रॉयल गेम्स में हमें स्मूथ परफॉर्मेंस ना मिलने से आपको जीतना मुश्किल हो जाता है। वैसे इस गेम का ग्राफिक्स मुझे बहुत आई कैचिंग लगता है और ओवरऑल आपको रूल्स ऑफ सर्वाइवल मोटो वन पावर में खेलने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। एनीवेज, तो अगेन 30 मिनट्स तक खेलने के बाद चलते हैं होम स्क्रीन में और जैसे आप देख सकते हैं कि बैटरी लेवल है 85%। तो ऐसे हेवी गेम्स को 30 मिनट्स खेलने के बाद भी बैटरी ड्रेन हुआ है ओनली 7% और फोन में ओवरहीटिंग जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर है ऑलमोस्ट 31 डिग्रीज और बैक साइड में भी सेम टेम्परेचर दिखा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है GTA San Andreas। ये गेम काफी पुराना हो चुका है पर अभी तक हमने गेमिंग टेस्ट में कोई भी ओपन वर्ल्ड गेम को टेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए हम देख लेते हैं GTA San Andreas मोटो में कैसा चलता है। यहाँ पे भी हमने हर एक ग्राफिक सेटिंग्स को हाईएस्ट में कर दिया है। वैसे ये गेम अभी इतना पुराना है कि आजकल के ऑलमोस्ट एनी फोन में आप इसको चलाइए, ये ऑलमोस्ट आपको सेम परफॉर्मेंस देगा हाईएस्ट सेटिंग्स में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि San Andreas को हाईएस्ट में चलाना स्नैपड्रैगन 636 के लिए ऑलमोस्ट कोई बात ही नहीं है। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप GTA खेल पाएंगे मोटो वन पावर में, पर हर एक गेम में आप शायद देख पा रहे हैं कि नॉच हाइड हो जा रहा है। एक्चुअली फोन की सेटिंग्स में भी डिस्प्ले, इंस्टॉल्ड एप्स या फिर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाके आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले एप्स जैसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो आई होप कि फ्यूचर अपडेट्स में ये सारा प्रॉब्लम्स को मोटोरोला ठीक कर देगा। तो अगेन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स GTA San Andreas खेलने के बाद बैटरी लेवल है 80% में और फोन थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर को अभी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्टली चलते हैं नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स में। अगर आप हमारे गेमिंग टेस्ट को फॉलो करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हम हर एक गेमिंग टेस्ट में नो लिमिट्स को ऐड करते हैं बिकॉज इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही बढ़िया है और आज भी बहुत लोग इस गेम को खेलते हैं। तो यार जैसे आप देख पा रहे हैं कि दूसरे गेम्स की तरह नो लिमिट्स भी खेलने के टाइम आपको कोई लैग या फिर स्टटरिंग जैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा और दूसरे
दूसरे फोन्स की तरह यहाँ पे भी आपको हर एक डिटेल दिखेगा, जैसे रोड पे रिफ्लेक्शन, डायनेमिक लाइटिंग। ओवरऑल गेम काफी बढ़िया चलता है और अभी तक कोई भी गेम को खेलने के टाइम स्क्रीन के ऊपर या फिर बैक साइड में मुझे थोड़ा सा भी वार्म फीलिंग जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो यार नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स को हम कंटिन्यूअसली अराउंड 20 मिनट्स तक खेलते रहे और अभी देख लेते हैं इसका बैटरी लेवल और टेम्परेचर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 2% बैटरी ड्रेन हुआ है और सामने के साइड है ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज और बैक साइड में है अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, जो मेरे हिसाब से एकदम नॉर्मल है। तो फाइनली चले जाएंगे पबजी में, और जैसे हमने हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में देखा है कि इस फोन में पबजी कंटिन्यूसली एक घंटा खेलने के बाद भी बैटरी ड्रेन बहुत ही कम होता है। और अगर आपने अभी तक हमारा बैटरी ड्रेन टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज, तो पबजी में आप देख सकते हैं कि इस फोन में आप मैक्सिमम ग्राफिक्स जो सेट कर सकते हैं वो है बैलेंस्ड और मीडियम। तो यार मोटो वन पावर में मैक्सिमम पबजी एक्सपीरियंस के लिए आप यूज कर सकते एमस मोबाइल गेमिंग ट्रिगर्स, जो आता है ऐसे इजी टू कैरी बॉक्स के अंदर, और जो गेमिंग ट्रिगर्स है उसका क्वालिटी काफी बढ़िया है और इसे लगा के पबजी खेलने से आपका चिकन डिनर मिलना पक्का है। सो अगर आप पबजी फ्रीक है तो एमस गेमिंग कंट्रोलर्स को आप जरूर ट्राई कीजिए, बाइंग लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो हमने चला लिया एक स्क्वाड मैच और जैसे आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे लोग खेलते हैं पबजी, उसके पास राइफल होने के बाद भी हमने पंच करके उसको नॉकआउट कर दिया। वैसे गेम तो बढ़िया चलता है और आपको अराउंड 20-25 FPS का एक्सपीरियंस मिलेगा पबजी मोटो वन पावर में खेलने के टाइम। नाउ अगर आप बात करते हैं हीटिंग की, तो गेम को खेलने के टाइम ऐसा कोई ओवरहीटिंग जैसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल जैसा वार्म फीलिंग लगता है कोई भी फोन में मोर देन 30 मिनट्स पबजी को खेलने के टाइम, वैसा ही आपको इस फोन में भी फील होगा और फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग जैसा कुछ नहीं होता है। पर एक चीज जो मैंने नोटिस किया है इस फोन में पबजी को खेलने के टाइम वो है कि कभी कभी स्टटरिंग जैसा दिखेगा आपको, मतलब गेम एक सेकंड के लिए हैंग करके फिर से ठीक हो जाता है। पर ये अगेन कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, बिकॉज जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी नॉच हाइड हो गया है और ऑलमोस्ट कोई भी गेम अभी तक मोटो वन पावर के लिए फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है, और जब तक ये ऑप्टिमाइज हो जाए तब जाके ये सारा प्रॉब्लम्स भी फिक्स हो जाएगा। तो यार ऑलमोस्ट एक घंटा कंटिन्यूअस पबजी खेलने के बाद नाउ चले जाते हैं होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी लेवल है 65% में, मतलब एक घंटा पबजी खेलने से अराउंड 13-14% बैटरी ड्रेन होता है मोटो वन पावर में। और जैसे मैंने बताया कि फोन थोड़ा सा वार्म हुआ है और नाउ स्क्रीन के ऊपर है अराउंड 32 डिग्रीज और बैक साइड में है ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज, जो अगेन नॉर्मल टेम्परेचर है। तो यही था इंटेंस गेमिंग टेस्ट मोटोरोला मोटो वन पावर में, और जैसे आपने देखा हर एक गेम इस फोन में बहुत ही बढ़िया चलता है और बैटरी ड्रेन जो है वो बहुत ही कम होता है। और अगर हीटिंग की बात करें तो इस फोन में गेम खेलने के टाइम कोई भी हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको क्या लगता है इस गेमिंग टेस्ट के बारे में हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और यही था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो।